हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एटीट्यूड बाय गायत्री। माय नेम इज़ गायत्री। मेरे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एमपीटेट वर्क 3 से जुड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि एमपीटेट वर्क 3 की सेकंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो वो उसकी हम आज जो है बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखिए गाइज, आपको बता दूँ कि वर्क 3 की सेकेंड काउंसलिंग जो कि आपका उन्होंने साफ कह दिया है कि फ़र्स्ट काउंसलिंग के बाद जो है स्टार्ट होगी, तो हम मान कर चले कि फ़र्स्ट काउंसलिंग की जो प्रोसेस है स्कूल चॉइस फिलिंग की, वो 9 अक्टूबर को आपकी जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके जो है एक महीने के अंदर अंदर, या एक मैं कहूँ मार्च के एंड तक, आपके जो है ज्वाइनिंग लेटर जो है आ जाने चाहिए। ज्वाइनिंग लेटर आ जाने के बाद 15 दिन के बाद आपको उस स्कूल में ज्वाइनिंग लेनी होगी जहाँ पर आपका सिलेक्शन जिस स्कूल में हुआ है। देन 10-15 दिन उसमें लगेंगे। एंड उसके बाद अगर मैं कहूँ अप्रैल के सेकंड या सेकंड वीक में आपकी सेकंड काउंसलिंग का जो रोस्टर मैं कहूँ जारी होने की संभावना है, ये सिर्फ मैं अपना अनुमान लगा रही हूँ। बाकी आप सभी जानते हैं कि एमपी की सरकार है वो किस तरीके से अपना काम करती है, तो ये एक जो है अनुमान है। अगर मार्च अप्रैल के सेकंड वीक तक नहीं हुआ तो अप्रैल के एंड तक तो आपको कुछ ना कुछ सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड जो है देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।